सीआईईटी एनसीईआरटी प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम सपनों के से दिन गुरदयाल। दस जनवरी 1933 पंजाब के जैतो कस्बे के दस्तकार परिवार में जन्मा एक बालक, जिसका 12-13 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ा दिया गया, जिसकी लकड़ी के कारीगर के रूप में जीविका कमाना नियति बन गई थी। यह कुदरत का करिश्मा था या उसका लगातार श्रम करने का स्वभाव, जिससे वो साहित्य के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार का अधिकारी बन गया। ये व्यक्ति थे पंजाबी कथा शिल्पी और सशक्त उपन्यासकार गुरदयाल सिंह। सन 2000 में अपनी आत्मकथा की जानू मैं कौन में गुरदयाल सिंह ने महान सूफी संत बुल्ले शाह की इन पंक्तियों को लिखा है और इस कृति को अपने परम पूज्य अध्यापक श्री मदन मोहन शर्मा को समर्पित किया। ये वो शख्सियत थे जो उम्र के हर पड़ाव पर इन्हें रास्ता दिखाते रहे। बचपन में ये अन्य बच्चों की तरह ही स्कूल गए। दिनों दिन शिक्षा के प्रति जब इनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी, तब एक दिन एक व्यक्ति दिन के 12 घंटे में अपना काम पूरा करता है तो दो व्यक्ति मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अभी निकालता हूं इसका हल। गुरदयाले, ओए गुरदयाले, ओ कहां वे? क्या बात है चाचा जी? ओए सुना है तू अपना पुश्तैनी काम छोड़ना चाहता है? बेटे कमाना जरूरी है, रोटी तो तभी मिलेगी ना। अब वो मैं तो जी बस पढ़ना चाहता हूँ, आप वाला काम मेरे बस का नहीं है जी। ओए बहुत पढ़ लिया जितना पढ़ना था, कल से स्कूल जाना छोड़। एक सेठ ने काम दिया दरवाजे बनाने का, मगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी पूरा होगा। ओ सोच क्या रहा है? जी चाचा जी। हो गया। अब चाचा जी ये देखिए, जैसा आपने बताया था मैंने वैसा बना दिया, देखो ठीक बना। ओए होए होए होए, किन्ना सोना दरवाजा बना है। जी वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, मेरे वर्गा सयाना हो गया तू। वाहे गुरु, तेरा लख लख शुक्र। और काफी समय तक यही सिलसिला जारी रहा। इधर घर में भी सबसे बड़ा होने के कारण न जाने कितने कामों के लिए बेबे यानी माँ इनकी राह देखती। गुरदयाल। हाँ बेबे। गुरदयाल जा जरा तालाब पर पशुओं को नहला। सुन हाँ। उन्हें चारा भी डाल देना फिर। बस अभी जाता हूँ बेबे, जरा चूल्हे के लिए पहले लकड़ी फाड़ दूँ। ओए पुत्र छेती कर, देख पशु गुहार लगा रहे हैं, देर हो रही है पुत्र। अच्छा बेबे जाता हूँ जाता हूँ। लो जी ये काम तो पूरा हो गया, अब बेबे का बताया काम पूरा करता हूँ। अरे चलो तालाब पर जितना मन करे डुबकिया लगाना। हाँ जी चलो चलो। आ गया तालाब। हाँ जरा मैं भी डुबकी लगा लूँ उसमें। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।
वाह जी वाह, मजा आ गया जी, आनंद आ गया आनंद। हाँ, हाँ। चलो जी पार चलो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। इस बीच वो 16-17 वर्ष के हो गए। पारिवारिक परंपराओं के अनुसार इनका विवाह कर दिया गया। इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब इन्हें परिवार के भरण पोषण के लिए दिन के 15-16 घंटे काम करना पड़ता। लकड़ी और लोहे का काम करने से इनके हाथों की उंगलियां भी कीलों जैसी सख्त हो गई थी। पानी की टंकी बनाने का काम यूं भी इतना सहज नहीं था। अपनी आत्मकथा में इन्होंने लिखा है, पानी की टंकी बनाने के लिए हम आग की तरह तपी चादरों के ऊपर बैठकर दोनों पांव लगाकर हाथों से धीरे धीरे मोड़कर उन्हें गोल करते, फिर उन्हें रिपटों से जोड़ते। पांव में छाले भी हो गए थे, चमड़ी छिल जाना तो आम बात थी। लेकिन बहुत समय तक इस तरह के कामों को करते करते इनका मन ऊब चुका था, क्योंकि इनकी मंजिल कुछ और ही थी। इन्हें अपने मास्टर जी से पीड़ा सहन करने की शक्ति मिली थी। रात को कौन आया है? मास्टर जी दरवाजा खोलिए। रुको भाई रुको, अभी खोलता हूं दरवाजा। कौन? जी मैं हूं मास्टर जी, गुरदयाल। अरे तू है गुरदयाल? हाँ। इतनी रात को जी? क्या बात है, चल इधर आ। हाँ। आजा आजा अंदर आजा। हाँ। अब बता, सब कुशल से तो है ना? जी मैं तो बस आपसे ये कहने आया था कि आप मुझे पढ़ा दीजिए। हाँ मुझे पढ़ना है मास्टर जी, मुझे पढ़ना है। अरे गुरदयाल, ये अचानक तुझे पढ़ने का ख्याल कैसे आ गया? अच्छा इस बारे में क्या आपने चाचा जगत सिंह से इजाजत ली है तूने? ना जी, उनसे तो मैंने कोई बात नहीं की। फिर? जी मैं रात को पढ़ लिया करूंगा, दिन में उनके साथ काम कर लिया करूंगा, बस आप मुझे पढ़ा दो किसी तरह। हाँ। अच्छा अभी घर जाकर आराम कर, दिन भर के काम की थकावट होगी। सुन जी, कल आकर मुझसे कुछ किताबें ले जाना जी। अच्छा। पहले उन्हें पढ़ना। हाँ। उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ से शुरू करें। जी जी बिल्कुल ठीक है मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा आराम से जाना। ठीक है मास्टर जी। इस तरह इन्हें पढ़ाई करने की एक दिशा मिल गई। इन्हें बहुत प्रिय थे अपने ताऊ बिश्ना, क्योंकि वे जिस बात की जिद ठान लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते, और ये गुण विरासत में इन्हें भी मिला था। ताऊ जब बहुत खुश होते तो एक गीत गुनगुनाते, वही गीत पढ़ाई करने का निर्णय लेने की खुशी में गुरदयाल गुनगुना उठे। दिल रखिए पहाड़ा वर्गा, ओ पहाड़ा वर्गे मस्ती शेरा दी, दिल रखिए पहाड़ा वर्गा। फिर मास्टर जी की सलाह से इन्होंने मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा पास की। उन दिनों 10वीं कक्षा पास करने के बाद शिक्षक बन जाते थे। 1954 में इनकी पहली नियुक्ति बठिंडा के एक स्कूल में हुई, जहां ये हेडमास्टर बनाए गए। फिर बठिंडा से जैतो हाई स्कूल में इनका तबादला हुआ। इन्हीं दिनों कहानियां लिखने का दौर शुरू हुआ।
गुरदयाल सिंह की पहली कहानी उस समय के प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर मोहन सिंह द्वारा संपादित पत्रिका पंजदरिया में प्रकाशित हुई। उसके बाद प्रीत लड़ी, पंजदरिया और छठे दशक में आरसी जैसी पंजाबी साहित्यिक पत्रिकाओं में लगातार इनकी कहानियां प्रकाशित होती रहीं। ये समय था 1954 से 1965 तक का। इनकी कहानियों में पंजाब के शोषित पीड़ित किसानों का जीवन, उनकी वर्ण व्यवस्था, ईर्ष्या, स्पर्धा, सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता आदि के अनेक चित्र झलकते हैं। मानवीय रिश्तों के बिखरने का दर्द, बुजुर्गों की असुरक्षा और हताशा के भाव दो कमरों का घर कहानी में देखा जा सकता है। इसी तरह की मानवीय संवेदना की कुछ और भी चर्चित कहानियां हैं, जैसे सांझ, घड़ी तो खराब हो गई आदि। इसके अलावा इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं सग्गी फुल्ल, चान दा बूटा, ओपरा घर, कुत्ता ते आदमी, मस्ती बोता, रूखे मिस्से बंदे, बेगाना पिंड, चौड़मियां कहानियां, पक्का टिकाना तथा मेरी प्रतिनिधि रचना आदि। पंजाब की जिंदगी के रंग बिरंगे चित्र इनकी कहानियों में देखे जा सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि यदि वहां के जीवन को जानना और समझना है तो गुरदयाल सिंह की कृतियों को पढ़ना जरूरी है। इन्हें उपन्यासकार के रूप में पहली बार पहचान मिली मणि दा दीवा उपन्यास से। इसे अपने आंचलिक परिवेश के सजीव चित्रण के लिए पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत अद्ध चांदनी रात इस उपन्यास को नानक सिंह नॉवलिस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया और ये सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया। अंग्रेजी में ये नाइट ऑफ द मून के नाम से प्रसिद्ध है। इनके अलावा गुरदयाल सिंह के अन्य उपन्यास हैं रेत दी इक मुट्ठी, पौ फुटब तो पहलों, पांचवां पहर, सब देश पर आया, सांझ सवेरे और आत्मकथा की जानूं मैं कौन आदि। गुरदयाल सिंह ने जिंदगी का सफर जहां भी जैसे भी तय किया अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। जिन लोगों के बीच ये दिन रात जिए उन्हीं के अनुभवों और अपने जीवन की व्यक्तिगत सच्चाइयों से इनके लेखन को प्रेरणा मिली। अपने लेखक के दायित्व को गुरदयाल सिंह ने बखूबी निभाया है। उनकी दृष्टि में लेखक की भूमिका क्या है, इसे उन्होंने अपनी आत्मकथा की जानूं मैं कौन में व्यक्त किया है। किसी भी लेखक का लेखन में महत्वपूर्ण योगदान होता है जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण। ये लेखक के हाथ में आई दूरबीन जैसा होता है जिससे वो बहुत दूर की चीजें भी स्पष्ट रूप से देख पाता है। मगर यहां ये शर्त होगी कि वो एक ही आंख से देख पाए। कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी देखना चाहे उसे बहुत गहराई और एकाग्रता से देख पाए। गुरदयाल सिंह जी की कृतियां न केवल भारतीय साहित्य की अपितु विश्व साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। अगस्त 2016 को ये महान साहित्यकार इस दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह गया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, सुनील लोहिया, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। वाचन स्वर परवेज गौहर। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर संजय सुमन, डॉक्टर प्रमोद दुबे,
प्रोफेसर चंद्रा सदायत, श्री नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन अजीत होरो। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन विमलेश चौधरी एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।